होशियार को समझाया जाता है, अब मूर्ख के आगे बीन बजाइएगा तो अब भैंस तो बैठ ही जाएगी, भैंस के आगे अगर बीन बजाया जाएगा तो भैंस के आगे। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जो अनेरिया टाइप का गायक होता है वहीं हिट कर जाता है कि नहीं, या गायिका होती है, और 9 महीने के बाद छूट कर आ रहे हैं, तो आप इस तरह से कीजिए जैसा कि गाने में बोल रही हो। हाँ तो आइए, वाले भी गाने लोग नहीं देखेंगे तो क्या करोगी, ताड़ पे चढ़ जाओगी, बोलोगी कि अब उस पे से नहीं देखेंगे तो कूद जाऊंगी उस पर से, धर्मेंद्र की तरह काय चढ़ जाएंगे। आजकल वही अश्लीलता चल रही है। फिलहाल मौजूद है मोतिहारी में, और मोतिहारी की ये एक लड़की है सिंगर, और ये ऐसा गाना गाई है कि गाना जो है, अब तो गाना को हम लोग सुनेंगे उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्या नाम हुआ आपका? जी मनीषा राज। मनीषा राज, ओ मनीष कश्यप पे आप एक गाना गाई हुई है ना, वो भी कौन सा गाना आप गाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को पहले वो गाना सुनाइए, फिर हम लोग बात विचार करते हैं। दुनिया के सेव संस्कार कोइल छोरी के, दुनिया के सेव संस्कार कोइल छोरी के, आवन चाट लो मनीष कश्यप ढोरी के। तो वो दुनिया का सेवा वगैरह किए हैं, उसके बाद से आप अपना सेवा करने के लिए उनको बुला रही है? अरे हम गाना गाए हैं। गाना गाए हैं तो गाना क्या संबोधित करता है वो आपको मालूम पड़ रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए गाना गाए हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए गाना गाई होती तो ऐसे ना गाती, वो एक समाज सेवी व्यक्ति है, एक पत्रकार है, सब कोई तो गा रहे हैं ढोड़ी पर। ठीक है ठीक है, तो ढोड़ी पे उन्हीं के उगा देगी क्या भैया? मेरा मन करेगा आई और हमारा ढोड़ी चाटी है, मेरा मन करेगा उन्हीं पे गाएंगे हम। और आप ये गाना गाई है, आपके घर कैसी घर से आती हो आप? आप इस तरह का गाना गाती हो, एक छोटी उम्र की हो, फिर बोलती हो कि ढोड़ी का ट्रेंड गलत है का गाना? सुनिए गलत नहीं है तो क्या है, हनुमान चालीसा है तो मतलब गलत ही है, भगवान का पूजा नहीं ना गाई है यार। अच्छा ठीक है ठीक है, भाई पहले बात सुनते चलिए उसके बाद से बोलते चलिए। आप गाना गाई हो, उनको इन्वाइट कर रही हो कि आइए 9 महीना के बाद आप आ रहे हैं और हम स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए और ढोड़ी चाटिए, इस तरह से कहा जाता है, आप ही बोलिए काय ढोड़ी चाट वाले मतलब की? हाँ तो उसी गाने में तो ऐसे ही ना बोल रही हो आप, तो मतलब हम बोले ना एंटरटेनमेंट के लिए बस गाना गाए। एंटरटेनमेंट के लिए गाई हो तो ऐसे ही बोल देते, जैसे वो चंदन चंचल बोल रहा है, जैसे वो और बोल रहे हैं, इस तरह से तो होता ही रहता है। तो आप मनीष कश्यप को बोल रही है, वो बेचारे तो अपने पीड़ा में है ना, पीड़ा में 9 महीने के बाद छूट करा रहा है, तो 9 महीने के बाद छूट कराने का उनका वो यही ऑफर दे रही हो कि भाई ये आइए और 9 महीने के बाद छूट करा रहे हैं तो आप इस तरह से कीजिए जैसा कि गाने में बोल रही हो। हाँ तो आइए आई, अब हाँ। देखिए अब इनका थोड़ा देखिए, अब ये बोल रहे हैं मनीष कश्यप का कि अब आइए आइए और जो बोल रही है वो कीजिए, काय करवा लेंगे। देखिए तो बोल तो रही है ना आप, वो पहले आएंगे तब तो ना, आएंगे तब तो ना बताएंगे तो क्या आप करना, तो क्या नहीं, ये उसी के लिए ना। हाँ तो पहले आएंगे तब महीने के बाद आप आ रहे हैं, आए हैं और ये ऐसा आप कीजिए, जो कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है और आपने दौड़ेले क्या चीज का है। शर्म क्या चीज का है, सब कोई ढोड़ी का मतलब सपई है। ठीक है ढोड़ी सपई उसका क्या बोल रहे गा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी कहाँ गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, सब कोई गा रहे हैं, स्टार लोग हैं वो, सब कोई गा रहे हैं लोग, वो स्टार मान लीजिए कि ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जो अनेरिया टाइप का गायक होता है वहीं हिट कर जाता है कि नहीं, या गायिका होती है जी। तो अब देखिए आप भी देखिए हम इतना अच्छा गाना गाए हैं, इतना अच्छा कौन सा गाना गाई है आप मनीष कौशल मेरे चैनल पे जाके सुनिए ना तो। अच्छा है, चैनल पे हम जाके सुने हैं तभी तो आए हैं यहाँ पे, ठीक है चैनल पे हम जाके सुने हैं। अच्छा तो देखे हैं ना, हाँ देखे वो गाना कहा ही नहीं चला बताइए, कौन गाना जब हम अच्छा अच्छा गाना गाए हैं तो भी गाना चलना चाहिए ना। कौन सा गाना आप अच्छा गाई हो, चलना चाहिए ना, कौन सा गाना नहीं, ये हम गाना गा दिए आप अच्छा नहीं चलेगा, आप अच्छा को अच्छा तरीके से गाओगी तब ना चलेगा। अच्छा गाना पवन सिंह गा रहे हैं तो चल रहा है कि नहीं, कहाँ से पवन सिंह का गाना नहीं चल रहा है, वो नहीं गाए का, कौन सा गाना वो ढोड़ी पर गाना नहीं गाए है, गाए हैं तो जब गाए हैं तब गाए हैं, आप फिलहाल गा रही हो तो मनीष कौशिक पे नहीं ना गाए हैं आप, तो गा रही हो छोटी उम्र के हो, आप कौन सी राह पकड़ के जा रही हो, ये थोड़ा देख रही हो दर्शक को किधर लेकर जा रही हो, आप अपने घर को किधर लेकर जा रही हो, समाज को किधर लेकर जा रही हो, और मनीष कश्यप को ऑफर दे रही हो कि आइए 9 महीने के बाद आप आ रहे हैं और हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारा आकर और चाटिए, वो हमें थोड़ा बोलने में भी उरेब लग रहा है। आप जिस घर से आती हो, आपके माई बहन भाई होंगे ना जी, इस गानवा पे कुछ बोलते, आपके भाई है कितने बड़े हैं? दो भाई हैं। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मेरे बड़े हैं। बड़े हैं तो वो लोग नहीं बोले हैं कि भाई ये क्या बोल रही हो तुम? देखिए हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि हम जब अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं तो अच्छा गाना नहीं चल रहा है, सुनिए ना, अच्छा गाना नहीं चल रहा है, गाओगी तब ना चलेगा। अच्छा भी गाए, देखिए मेरे चैनल पे जाके अच्छा गाना, वो पूनम शर्मा है जो गाई है लक्ष्मण देवर, उसको पहले तक तो कोई नहीं जानता था लेकिन अच्छा गाना अच्छे तरीके से अब आप लोग गाई है ना,
पूजा पांडे गाई है तो अभी तो चली गई वो पेंडिंग में, अभी कौन पूछ रहा है। तो वो गाई थी ना, चार दिन के लिए इस तरह से विवादित गाने गाओगी, इसमें आओगी, फिर से पेंडिंग में चली जाओगी। अगर खुद में क्वालिटी पैदा करोगी तो बहुत दिन तक लास्टिंग करोगी, इस बात को मानती हो? मान लीजिए कि इस तरह से करने से कुछ मीडिया वाले आ जाएंगे, कुछ आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन कितने दिनों तक टिक पाओगी इस फील्ड में? इस फील्ड में टिकने के लिए कम से कम खुद में क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो कल को आपका पति बोलेगा, आपका आपकी शादी होगी ना, शादी करोगी ना कहीं ना कहीं? नहीं, शादी तो इसी तरह से बंठा ही रहोगी। जी अब बंठा ही नहीं, शादी तो करोगी ना कहीं, तो आज नहीं करोगी, कल करोगी, परसों करोगी, दो चार साल के बाद करोगी ना? जी हाँ। आपका पति बोलेंगे कि भाई तुम तो इस तरह से गाना गा के आई हो, इस तरह से चटवा के आई हो? हम कुछ नहीं जाना चाहते, किस तरह जब हम अच्छा अच्छा गाना गा रहे तो वो कहाँ ही नहीं चल रहा है, कल ही मेरा गाना रिलीज अब रातों रात वायरल हो गया, ये कोई मतलब नहीं ना हुआ, इसी तरह से ना गाना गाएंगे? ठीक है, ये कोई मतलब नहीं ना हुआ कि आप एनएच पकड़ के जा रही है तो आपका घर दूर पड़ रहा जा रहा है तो सरसौगा खानते हुए जाएगी? एक मिनट सुनिए, इस तरह से सुनिए, आपका आपका इस काम में फायदा है ना? कौन से काम में? ये न्यूज़ ले रहे हैं, इसमें फायदा है कि नहीं? नहीं तो फायदा के लिए हम एक मिनट फायदा के लिए हम फायदा है करेंगे, फायदा है तो ये हमारा काम छोड़ के दूसरा कर लीजिएगा, का काय नहीं करेंगे, दूसरा कर लीजिए, दूसरा ही काम करते हैं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अरे तो अब देखिए, कल तक कोई हम दूसरा काम करते थे, कल कोई दूसरा काम कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम मान लीजिए कि इसको चलाने के लिए कहीं किसी हद तक गिर जाएंगे। अच्छा। और कुछ भी कर लेंगे तो आपको ये काम अच्छा लगेगा तो ये छोड़ दीजिएगा का? कौन सा? तो ये ठीक है, ठीक है, काम गीत गौनाई को मैं कहाँ बुरा बोल रहा हूँ, आप गाओ तो थोड़ा बेहतर गाओ। मनीष कश्यप को बोल रही है कि आप आइए तो वो चल ही ना रहे तो बेहतर गा हम क्या करेंगे बताइए? बेहतर गाना बेहतर ढंग से गाओगी तब ना, कुछ भी बेहतर ढंग से जो सिद्धांत आपका होगा तो आप क्या करोगी? गलत गाना कल को गलत गाना नहीं चलेगा तो फिर उससे गलत गाओगी, फिर उसे गलत गाते गाते कहाँ तक गलत करोगी? जहाँ तक होगा, मतलब कि मेरा गाना नहीं चले तो हम गलत, मेरा गाना चले तो गलत ही गाएंगे हम, गलत ही गाओगी? हाँ जी हम गलत ही गाएंगे। घर में कोई नहीं बोलता है, कोई हाँक डाप नहीं है घर में, माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई इस तरह से गाने गाती हो, ये चटवाती हो, चटवाती हो, इस तरह से कोई कुछ नहीं बोलता है? आप इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते? बदतमीजी हम कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कहाँ बदतमीजी? बदतमीजी कर रहे हैं, पहले ही बदतमीजी लाइक तो तुम गाना ही गाई हो। क्या बदतमीजी लगे इसमें? क्या है, सब कोई गा रहे, सब कोई ढूंढ रहे, सब कोई तार कर दिया, सब कोई गा रहा है तो सब कोई से सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है कि आप ही से पूछा जा रहा है? तो उनसे पूछिए तो अभी आप गाई हो तो आप ही से ना पूछा जाएगा कि आप एक मनीष कश्यप है तो अभी तक इस तरह का किसी ने गाना नहीं गाया है। वो पूजा पांडे थी, वो गाई हुई थी कि वो भतार बनाने के लिए बोल रही थी, सुनी होगी ना? जी अभी तुम बोल रही हो कि नहीं अब आओ इस तरह से करो, जिस तरह से कहने में भी मुझे शर्म आ रहा है, और ऊपर से तुम बोल रही हो कि एक तो गाना गा दी हो इस तरह से और ऊपर से बोल रही हो कि इस तरह से किया जाता है, मतलब हाँ तो शर्म ही तो आएगा ना आपको, शर्म आ रहा है? हम कई बार सुनो, तुम उस गाने को कई बार गाई हो, अभी भी बोली हो, हम कई बार बोले हैं कि भाई हम चाटने के लिए केवल बोले हैं, ये तो नहीं बोले हैं कि ये चाटना है वो चाटना है, तो हमें खुद शर्म आ रहा है वो शब्द बोलने में चाहे वो करने तो में फिर मत सुनिए, तो शर्म आए तो मत सुनिए गाना, हम नहीं सुने हैं, मत सुनिए, ठीक है, जिनको जिनको अच्छा लग रहा है वो सुन रहे हैं बस, तो जिनको जिनको ये ऐसा ही हो रहा है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो इस तरह के देखिए ये गाना जब अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो ये गाना मिलियन पार नहीं होता, ठीक है? कहाँ मिलियन पार किया है, हम तो हो गया है 6000 चला नहीं, देखिए जाके मिलियन पार हो गया है, यही ना दुर्भाग्य है यार, जब हम फिर अच्छा अच्छा गाना गाए तो वो बिल्कुल नहीं गया। अच्छा 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 गाना अच्छे तरीके से गाओगी, अच्छा गाना हिट करता है कि नहीं तुम पहले बताओ अपने दिल से? करता है। अच्छा गाना अगर अच्छे तरीके से दर्शक को दोगी, मान लीजिए कि इसी तरह से कोई गाना अच्छा गा दोगी तो नहीं ना, उसका सुर ताल सब बेहतर ढंग से होना चाहिए, उसकी शब्द की शब्दावली बेहतर ढंग से होनी चाहिए, एक संगीत जो है बड़ा गूढ़ चीज है, समझे? आज तो ट्रेक हो गया है, कोई भी आते हैं भनभनाते हैं गाते हैं कुछ विवादित गाना, आज के जो युवा हैं या गायक हैं उनको लगता है कि अश्लीलता की सीढ़ी पे चढ़कर हम लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई लोगों का उदाहरण देख सकती हो, यहीं पे पूजा पांडे आज कोई पूछने जाता है, कोई गाना गावाने जाता है, गाना तो इस तरह से गाओ जहाँ पे तुम्हें स्टेज पे लिफ्ट मिले, सब जगह पे लिफ्ट मिले, समाज में लोग कहें कि हाँ ये गायक है, थोड़ा इज्जत से नाम ले, अन्यथा आपके भाई अगर कहीं जाएंगे तो उनको ही कहा जाएगा कि इनकी बहन ऐसी गाना गाई हो, जो हकीकत है मैं उसे ब्याह कर रहा हूँ। अब तुम्हें भला लगे या बुरा लगे या बदतमीजी लगे, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में कि बेहतर से बेहतर तुम गाने गाओगी और बेहतर से बेहतर करोगी। तो मेरा अच्छा अच्छा गाना लोग सुनेंगे तो हम अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा गाना नहीं सुनेंगे तो इसी तरह से हम गाएंगे, आगे भी इसी तरह से गाएंगे। तो खैर तुम्हारी मर्जी है, सुधरो ना सुधरो, अब थोड़ी हम तुमको सुधारने जा रहे हैं या बोल रहे हैं कि इस तरह से करो उस तरह से करो, पब्लिक इसी तरह से पसंद नहीं कर रही है। गाना अच्छे तरीके से गाओगी तब जाके लोग देखेंगे,
नहीं तो बुरा बुरा को तो पूछवाया ही है और बिहार का ये दुर्भाग्य है आपको बोल रहे देखने के लिए। नहीं 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 ना बोल रहे, आप मत देखिए, जो लोग देख रहे थे हम तो गर्व करेंगे। हमको काय को लिए बोलोगी, ठीक है, और हम देखे भी नहीं है। ये हम सलाह दे रहे हैं कि अच्छा गाना गाओगी तो ज्यादा दिन लास्टिंग करोगी, नहीं तो इस गाने में कुछ मीडिया वाले पहुंचे हुए हैं और कल से कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हमारा सलाह तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो राह तुम्हें अख्तियार करना हो उसके लिए तुम आजाद हो, देश आजाद है। देश जब गुलाम था फिर भी जो बात है जो बोलने के लिए तो आजादी ही थी, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि तुम अच्छा गाना गाओगी। अब भले गाओ, मेरा अच्छा अच्छा गाना चलेगा तो हम अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा गाना नहीं चलेगा तो हम इसी तरह से गाना गाएंगे हम, और इसी तरह से और भी नंगापन फैलाओगी जी, क्योंकि मेरा वही गाना चले तो हम वही ना गाएंगे। मेरा अच्छा गाना नहीं चले तो हम वो नहीं गाएंगे। अच्छा गाना अच्छे तरीके से गाओगी, मैं कितने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, नहीं गाने का अच्छे तरीके से अच्छा तरीके। तो ये गानों से कितने दिन लास्टिंग करोगी? कुछ दिन चलोगी, फिर तो राम दो ग्यारह हो जाओगी, फिर अपने फील्ड से। कल को अगर तुम्हारे भाई कहीं सभा सोसाइटी में जाते हैं, कल तुम्हारे पिताजी जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी इस तरह की गाना गाती है और इस तरह से करती है? तो तुम कम से कम, तुम तो घर में बैठी रहोगे, तुम्हारे भाई और बाबूजी पे क्या गुजरेगी, इस बात का तुम्हारे अंदाजा है? होगा तब देखा जाएगा ना। अब चलिए, अभी इस तरह की ये गायक है तो अब क्या समझाया जाएगा कि क्या किया जाएगा? ये बोल रही है कि हम इसी तरह से गाएंगे और लोगों को दोषी ठहरा रही है कि भाई अगर लोग नहीं देखेंगे तो कल को अब वो अश्लील वाले भी गाने लोग नहीं देखेंगे तो क्या करोगी? तार पे चढ़ जाओगी, बोलोगी कि अब उस पे नहीं देखेंगे तो कूद जाऊंगी उस पर से, धर्मेंद्र की तरह काय चढ़ जाएंगे? आजकल वही अश्लीलता चल रहा है, काय नहीं चल रहा है, चल रहा है, आप नहीं देख रहे इसका मतलब थोड़ी ना नहीं चल रहा है। सारी का गाना नहीं चल रहा है, जहाँ तहाँ देख रहे हैं वो नहीं गाए का, कौन सी खेसारी लोग नहीं गाए गाए हैं? आज के डेट में तो बेहतर गाना उनका चल ना रहा है, तो फिर वही गाए के चल रहे हैं? बेहतर से बेहतर गाना हम गाए, मेरा बेहतर गाना चलेगा तो हम बेहतर गाएंगे, नहीं चलेगा तो इसी तरह से, नहीं चलेगा तो इसी तरह से नंगा फैलाओगी और समाज में इसी तरह से करोगी। तो चलिए, ये भी एक बाप की बेटी है, वो किसी भाई की बहन है जो बोल रही है कि हमारा गाना चलेगा तो इसी बेहतर गाना चलेगा तो चलाएंगे और नहीं तो इसी तरह से नंगापन फैलाएंगे। अब इस बेहाईपन को हम क्या कहेंगे? अब हमें कुछ कहा नहीं जाता है और अब देखिए ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि इस तरह के अनेरियापन जो गाने हैं वो चल जाते हैं और बेहतर गाने नहीं चलते हैं। अब बेहतर गानों को बेहतर ढंग से गाया जाएगा तब चलेगा, किसी तरह से दर्शकों के सामने पेश कर दिया जाएगा तब तो नहीं चलेगा। अब ये जो है मनीषा राज, इनका नाम है और गाना गाई है मनीष कश्यप पे, काफ़ी बात विवाद भी हुआ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप थोड़ा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बसंत बिहार मेरे चैनल का नाम है, और उस कमेंट पे जाके पढ़ लीजिएगा कितने आदमी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कितने आदमी कितने आदमी क्या क्या कहते हैं, ठीक है? आप थोड़ा जाके पढ़ लेना, कष्ट कर लेना। चलिए इसी के साथ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा आप थोड़ा गाना, तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं उस पे, आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए, जो भी दे रहे हैं आपको, होशियार को समझाया जाता है, अब मूर्ख के आगे बीन बजाइएगा तो अब भैंस तो बैठ ही जाएगी, भैंस के आगे अगर बीन बजाया जाएगा तो भैंस क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। चलिए, अब इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और ठीक है, तुम जैसी गाती हो वैसे ही गाती रहना।